प्रभात प्यारे बच्चों, आज का आपका काम पाठ तो हमारा वही चल रहा है, वे दिन भी क्या दिन थे। आज मैंने आपके लिए लिया है इसमें पहले प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी। पाठ आप कई बार पढ़ चुके होंगे, पाठ का सारांश आप पढ़ चुके होंगे, ऑनलाइन क्लास में मैंने आपको पाठ पूरा पढ़ा लिया है, आपको समझ आ गया होगा। और मैंने यही आपको समझाया था कि यह किताब सदियों पहले छपी होगी। ठीक है, एक सदी होती है बच्चों 100 साल की, और मैंने भी आपको यही बताया था वह कम से कम 100 या 150 वर्ष पुरानी होगी वो किताब। ठीक है, अगला प्रश्न है, रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई, क्या सचमुच में ऐसा होता है। ये भी मैंने आपको पाठ को पढ़ाते समय बहुत अच्छे से समझा दिया था। और बच्चों, समझाना क्या, यह तो जीवन का एक व्यवहारिक ज्ञान है। आप पुस्तकों से तो अभी आपके जीवन में पुस्तकें हैं ही, तो आपको पता है कि पढ़ के क्या पुस्तक बेकार होती है। इसका आंसर है, पुस्तकें कभी भी बेकार नहीं जाती यदि उन्हें पढ़कर संभाल कर रख दिया जाए। यदि पुस्तकें सहेज यानी संभाल कर रखी जाएं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी उनका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पर हाँ, पुस्तकें पढ़कर यदि फेंक दी जाए तो वे अवश्य बेकार होती हैं। क्योंकि कुछ लोगों की तो ये मेंटलिटी होती है कि बच्चे ने पास की पहली कक्षा, क्या करना किताब का, उठाया रद्दी वाले को 2 रुपये में सारी किताबें दे दी। अरे वो तो ज्ञान का भंडार है ना। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली जो हमारी विरासतें हैं वो इन्हीं पुस्तकों में है। ठीक है, इसीलिए हमारा आयुर्वेद, हमारा होम्योपैथ, हमारी संस्कृति, हमारे पुराने प्राचीन ग्रंथ हमारे पास ना हो करके विदेशी उससे लाभ उठा रहे हैं। तो पुस्तकें कभी बेकार नहीं जाती। प्रश्न 3 है, कागज़ के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे और क्यों। ये प्रैक्टिकल भी आपका आजकल निरंतर चल रहा है। आपके पास पर्दा तो है बच्चों, फ़ोन का ही पर्दा है, या फिर ये किताब जो आपके हाथ में है। ठीक है ना, तो इसका उत्तर है, मैं कागज़ के पन्नों की किताब पसंद करूँगा, क्योंकि इसे मैं कभी भी और कहीं भी कितनी भी बार पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ। ये सारी बातें टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब में नहीं होती। मर्जी है हमारी, हमने एक कहानी पढ़ी, मर्जी हमने पीछे से दूसरी कहानी पढ़ी, अब हम बोर हो गए, हम सोचते हैं चलो कोई अच्छी सी कविता ढूंढ लेते हैं किताब में से, आगे पता चला अरे इतनी अच्छी कविता हमारी किताब में है, गुरु और चेला, वाह मज़ा आ गया, हम उसे ही पढ़ के आनंद लेने लगते हैं। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, तुम कागज़ पर छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज़ से पहले छपाई किस किस चीज़ पर हुआ करती थी। कागज़ से पहले छपाई बच्चों पत्तों, पत्थरों, ताम्र पत्रों मतलब तांबे के जो पत्ते टाइप के बनाए जाते थे, तांबे की एक शीट बनाई जाती थी। ठीक है ना, पत्थरों पर, ताम्र पत्रों पर, लकड़ी के बने पन्नों पर, पेड़ की छाल या धातु पर हुआ करती थी। कोई भी मेटल को चपटा कर दिया जाता था और उस पर छाप दिया जाता था। आज भी हमारी खुदाई पर शिलालेख मिलते हैं, ताम्रपत्र मिलते हैं, उसी से पता चलता है ये किस सदी का है, किस शासक का राज्य हुआ करता था उस समय। तो बच्चों, ये आपका मैंने आज का काम आपके लिए किया है। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, साथ साथ याद करिए बच्चों। ठीक है, चलिए, ओके बच्चों।